आज का विषय है कंडीशनल फॉर्मूलास। ये कंडीशनल फॉर्मूलास क्या है अभी मैं आपको सिखाता हूं। इधर क्या होता है, जब भी हम कुछ कैलकुलेशंस करना है कंडीशंस के हिसाब से, ये समझो कि हमें एक टोटल है, इधर टोटल का स्टेटस आना है। अगर ये 10,000 के ज्यादा है इधर एक्सेलेंट आना है, अगर 10,000 से कम है इधर पुअर आना है। अभी हम इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल करने से क्या होता है, तो अगर ये वैल्यू चेंज हो गया तो इधर मैनुअल वैल्यूज भी मैनुअली चेंज करना है। इसलिए हम लोग क्या करता है, ये फॉर्मूला लिखता है। ये इफ कंडीशन इधर कैसा वर्क होता है कि अगर हमने एक कंडीशन दे दिया, तो क्राइटेरिया दे दिया, उसके हिसाब से हमें इधर रिजल्ट मिलेगा। चलो अभी दिखाता हूं। इक्वल्स इफ, इफ का मतलब है ये कंडीशनल फॉर्मूला है। ब्रैकेट ओपन किया, इधर ये लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है एक कंडीशन है, ए में इस सेल को सेलेक्ट किया और ग्रेटर देन 10,000 किया। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 10,000 का मतलब है इस वैल्यू, ये सेल का वैल्यू अगर 10,000 से ज्यादा है तो ट्रू वैल्यू में क्या आना है, मैं इधर एक्सेलेंट करता हूं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसको मैं पुअर बना देता हूं, क्लोज ब्रैकेट एंड। मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे, किधर भी ये अगर 10,000 के ज्यादा है तो ये एक्सलेंट हो जाएगा, वरना पुअर हो जाएगा। देखो अभी मैं इसको 12,000 बनाता हूं, ये हो गया एक्सलेंट, क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा है। तो इफ कंडीशन क्या होता है, इधर एक कंडीशन रहता है, उस कंडीशन के हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इधर हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया इधर हमें फॉल्स वैल्यू आएगा। ठीक है, ये जस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए, कंडीशन देखते ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट देता है इफ कंडीशन। अगर हमें कैलकुलेशन ही करना है, जैसे हम इधर एक फॉर्मूला है सम इफ, तो सम इफ क्या करता है, एक कैलकुलेशंस करता है। कैलकुलेशंस का मतलब है कंडीशन से हम कुछ कैलकुलेशन करना है, यानी कि ये इधर सम इफ है। सम इफ का मतलब है सम करो इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो एक कैलकुलेशन करो। अगर मैं सिर्फ सम डाल दिया इक्वल्स सम और इसको सेलेक्ट किया तो मुझे ये टोटल वैल्यू आ जाएगा, इसका टोटल वैल्यू। अभी मुझे ये टोटल चाहिए सिर्फ नॉर्थ का। अगर मुझे सिर्फ नॉर्थ का टोटल चाहिए, एक तो हम ऐसा करना है, जैसा हम इसको फिल्टर करके सिर्फ नॉर्थ को फिल्टर करके वो ऐड करके इधर डालना है, या मैनुअल से इक्वल किधर भी ये नॉर्थ होता है उधर ऐसा प्लस और अगेन प्लस। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है किधर किधर नॉर्थ रीजन है। लेकिन हमें एक फॉर्मूला है सम इफ, वो क्या करता है, अगर मैं कंडीशन दे दिया किधर भी नॉर्थ है उसको ऐड करने के लिए, वो आसानी से कर देगा। वो सम इफ का मतलब है सम करो इफ वो कंडीशन ट्रू है, ऐसा सम इफ। और ये सम रेंज मांगेगा, ये पहला पैरामीटर। सम रेंज का मतलब है जिस कॉलम में हम सम करता है, कमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब है कौन सा कॉलम में हम ये नॉर्थ ढूंढेंगे। मैं इधर ये रीजन ढूंढ रहा हूं इस कॉलम, कमा। अब ये क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया का मतलब है इस कॉलम में कौन सा रीजन हमें चाहिए। हम
इसको सेलेक्ट करता है और एंटर करता है। अभी मुझे 8,07,200 मिल गया। अगर मैं इसको फिल्टर कर दिया, डेटा और फिल्टर कर दिया, मैं इसको नॉर्थ फिल्टर करूंगा। अगर मैं इसको ऐड किया तो मुझे 8,07,200 आना है, तो वो सही आ रहा है। इसका मतलब है मेरा फॉर्मूला ठीक है। सो सम इफ का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो उसको ऐड करो। मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा या कॉपी पेस्ट करूंगा। अभी मुझे ईस्ट के वैल्यू इतना आया। अगर मुझे क्यूसी करना है, चेक करना है ईस्ट, अगर मैं इसको टोटल कर दिया तो यह जाएगा 1395550। अगर इधर देखा तो वो भी 1395555, तो ये सही आ गया। तो इसका मतलब है समिफ काम कर रहा है। तो इसी तरह से हमें एवरेज इफ भी है। एवरेज इफ का मतलब है ये, अगर मैं कॉलम सेलेक्ट कर दिया एक क्राइटेरिया का, नॉर्थ का एवरेज चाहिए इस कॉलम में, तो हमें एवरेज इफ देना पड़ता है। तो मैं इधर जाता हूं, इक्वल्स एवरेज इफ्स। इधर एवरेज रेंज पूछेगा, इधर सम इफ में इधर सम इफ पूछा था, इसी तरीके से इधर हम एवरेज इफ सेलेक्ट करते हैं कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब है किसमें हम कंडीशन चेक करता है, किस रेंज में, ये रेंज में हम चेक करता है। इधर हम रेंज दे दिया कॉमा। अभी क्राइटेरिया पूछेगा, ये क्राइटेरिया है, मैं एंटर करूंगा तो नॉर्थ का एवरेज है ये 1,09,000। अगर मैं इसको ड्रैग किया तो इस रीजन का एवरेज इधर मिलेगा। तो क्या होता है, इधर कंडीशन के हिसाब से ये एवरेज या सम और कुछ भी हम फंक्शन करते हैं वो आ जाएगा ठीक है। अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, मैक्स इफ्स और मिन इफ्स, ये दोनों नया फॉर्मूला है, 2019 वर्शन या अभी हमें क्या है 365 है इसमें इंक्लूड किया है, ये मिन इफ्स और मैक्स इफ्स। अब देखेंगे ये कैसा काम करेगा। ये फॉर्मूला है मिन इफ्स, वो क्या करेगा, ये रेंज में जितना भी लोएस्ट वैल्यू है, मिनिमम की तरह ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से चलता है। इक्वल्स मिन इफ्स, मिन रेंज, ये है मिनिमम रेंज कॉमा। अभी क्राइटेरिया रेंज पूछेगा, इधर में रीजन सेलेक्ट करूंगा कॉमा और ये रीजन सेलेक्ट करूंगा। तो नॉर्थ में 68,000 है मिनिमम वैल्यू, इसको हम नीचे सेलेक्ट करेंगे। ईस्ट में 60,000 है, वेस्ट में 60,000 और साउथ में 75,000, ये तो इस रेंज का मिनिमम वैल्यू, इस रीजन का मिनिमम वैल्यू। अभी मैं मैक्स इफ्स करूंगा, इक्वल्स मैक्स इफ्स। ये मैक्स इफ्स कंडीशन के हिसाब से उस रीजन का मैक्सिमम वैल्यू देता है, हाईएस्ट वैल्यू। मैं इधर मैक्स रेंज ले लूंगा कॉमा क्राइटेरिया रेंज ले लूंगा, ये है क्राइटेरिया रेंज ओरिजिन का, और एक क्राइटेरिया ले लूंगा। इस रीजन में ये मैक्सिमम वैल्यू है ठीक है। अभी इधर एक और फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है ये वैल्यू इस कॉलम में हम सेलेक्ट करता है, उसमें कितने बार वो रिपीट हो रहा है, कितने काउंट्स है। मैं इधर इक्वल्स काउंट इफ्स, एक क्राइटेरिया रेंज मांगेगा, इधर मैं क्राइटेरिया रेंज दे दिया कॉमा और इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अगर मैं एंटर किया तो नॉर्थ इधर
8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैं इसको ड्रैग करता हूं, इधर नॉर्थ 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ईस्ट 12 टाइम्स, वेस्ट 12 टाइम्स और साउथ 8 टाइम्स। अगर मैं ईस्ट को नॉर्थ बना दिया तो इधर काउंट 9 हो जाएगा, इधर ईस्ट में माइनस हो जाएगा, एक और मैं नॉर्थ कर दिया तो एक और माइनस हो जाएगा। अगर मैं वेस्ट को साउथ बना दिया तो इधर भी वो चेंज हो जाएगा। ये तो काउंट है, कितना बार ये रिपीट हो रहा है वो हमें इधर काउंट में देता है। तो इफ कंडीशन का मतलब है कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट्स देना। अगर हमें ट्रू हो गया तो ट्रू वैल्यू ए वो रिजल्ट देगा, अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स वैल्यू देगा। ये सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ और मिन इफ वो तो कैलकुलेशन है, वो कंडीशन से कैलकुलेट करता है, वरना वो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन वो पूरा रेंज का वो कैलकुलेशंस करके वैल्यूज देता है। सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, मिन इफ और मैक्स इफ वो देता है कंडीशन के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट है लुकअप फॉर्मूलास। लुकअप फॉर्मूलास, लुकअप का मतलब है ढूंढना। अगर हमें कोई भी वैल्यूज को ढूंढना है हम ये वी लुकअप या हेच लुकअप फॉर्मूलास यूज करते हैं। तो कैसा करना है ये वी लुकअप, कैसा होता है हेच लुकअप, कैसा होता है इमेज मैच क्या है हम सिखाते हैं। इधर एक टेबल है और इधर भी एक टेबल है, इसको हम टेबल अरे बोलते हैं। इधर हम वैल्यूज को ढूंढते हैं। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मतलब वर्टिकल, ऊपर से नीचे देखना है। हेच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल, ऐसा देखना है हॉरिजॉन्टल। मैच क्या करता है वो हमें इंडेक्स नंबर देता है, ठीक है। हमें ये वी लुकअप में जाके मैं इधर एक वैल्यूज देता हूं, एम्प्लॉय 001 का नाम चाहिए मुझे। अगर चाहिए तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन क्या होता है हर समय हम इधर मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे ये वैल्यू से एम्प्लॉय आईडी से इधर नेम आना चाहिए तो मैं वी लुकअप करता हूं। तो वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। लुकअप का मतलब है वो जिस वैल्यू से किधर वो वैल्यू को ढूंढना है, उसका मतलब है ये एम्प्लॉय आईडी से इस टेबल में एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है। ये ढूंढने का तरीका है वर्टिकल, ऊपर से नीचे, ठीक है। अभी मैं इसको इक्वल वी लुकअप टाइप करता हूं। फर्स्ट पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है क्या ढूंढ रहा हूं, जिस वैल्यू को ढूंढ रहा हूं उसको हम सेलेक्ट करते हैं, कमा टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है किधर ढूंढना है, इस टेबल में ढूंढता हूं, कमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है ये टेबल में जिस कॉलम में हम नाम ढूंढना है, एक कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, इधर टू है मैं टू करता हूं, कॉमा। इधर रेंज लुकअप, इसमें फॉल्स या ट्रू रहता है। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, ये वैल्यू इधर एग्जैक्टली मैच करना है। अगर मैं ट्रू दे दिया तो अप्रोक्सीमेट मैच, वो क्या करता है अगर वैल्यूज नहीं है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कुछ भी मैच होता है उसका रिजल्ट दे देता है। हम ये फॉल्स सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। हम इसको फॉल्स कर सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, फॉल्स या जीरो दोनों सेम है। मैं क्लोज करता हूं ब्रैकेट, एंटर करता हूं, अभी मुझे ये मिल गया। अगर मैंने इसको फाइव कर दिया
तो हमें एम्प्लॉय नंबर 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 बना दिया तो एम्प्लॉय 3 आ जाएगा। तो ऐसा हम लुकअप कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, क्या है, लुकअप वैल्यू कुछ भी हम ढूंढता है वो टेबल अरे में फर्स्ट कॉलम में रहना चाहिए। अगर ये फर्स्ट कॉलम में नहीं रहता है, इधर हमें वैल्यूज नहीं मिलता है। तो ऑलवेज ए एम्प्लॉय आईडी या कोई भी वैल्यू हम ढूंढता है, लुकअप वैल्यू है, वो फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल अरे, यानी कि इस टेबल में वो ढूंढने वाला वैल्यू फर्स्ट रहना, फर्स्ट कॉलम में ही रहना है। ये तो इसका कंडीशन, ठीक है। एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टली ढूंढना। इधर है क्वार्टर फोर, मुझे ये ओवरहेड का वैल्यू चाहिए, वो इधर है। क्वार्टर फोर का ओवरहेड है ये वैल्यू। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स एच लुकअप। इसका भी सेम पैरामीटर्स रहता है, ये लुकअप वैल्यू है, मैं ये सेलेक्ट कर दिया, कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब है ये टेबल, ये भी सेलेक्ट कर दिया, कॉमा इधर रो इंडेक्स नंबर पूछेगा। वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता था क्योंकि हम इसको कॉलम वाइज ढूंढते। अब मैं रो इंडेक्स नंबर देना है, ये ऐसा देना है 1, 2, 3, 4, 5, रो नंबर 5, ओवरहेड का रो नंबर है 5, कॉमा इधर भी हमें ये ट्रू और फॉल्स पूछेगा, मैं इसको 0 बना देता हूं, इसका मतलब है फॉल्स। तो एंटर कर दिया तो मुझे ये क्वार्टर फोर का ओवरहेड वैल्यू 3520 मिलेगा। अभी मैं इसको क्वार्टर वन बना दूंगा तो ये 7500 आ जाएगा। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लुकअप का मतलब है, तो हेच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टली सर्च करना, ठीक है। अभी मैं एक और फॉर्मूला चाहता हूं, इधर है मैच। मैच का मतलब है इंडेक्स नंबर ढूंढना। तो इंडेक्स नंबर मिलता है, इधर E001 है। अगर मुझे इसका इंडेक्स नंबर चाहिए इस टेबल में, इंडेक्स नंबर का मतलब है ये वैल्यू किस इंडेक्स नंबर में, किस रो में है, मैं इधर जाता हूं से इक्वल्स मैच, ये लुकअप वैल्यू पूछेगा, ये मैं लुकअप वैल्यू कर दिया कमा। हम इस पैरामीटर को स्टडी करना है, इसको देख के ही हम पैरामीटर को सेलेक्ट करना है, लुकअप अरे। इधर मैं लुकअप अरे इसको सेलेक्ट करता हूं, कॉमा फिर से 0 दे देता हूं ये एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर। अभी ये E001 इधर सेकंड रो में है। अगर मुझे E005 ढूंढना है, सो 5 कर दिया तो ये फिफ्थ रो में है। अगर मैं 2 कर दिया तो ये फर्स्ट रो में है, ऐसा। तो मैच का मतलब है ये हमें रो नंबर्स देता है। तो ये है लुकअप फॉर्मूलास। लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप, मैच का मतलब है ये हमें रो नंबर्स या इंडेक्स नंबर देता है, ठीक। नेक्स्ट है अगर मुझे फॉर्मूलास लिखते समय कुछ एरर्स आ जाता है, एरर्स का मतलब है वो कुछ रॉन्ग सा वैल्यू हम सेलेक्ट करता है या फंक्शन नेम भी हम रॉन्ग दे देता है, तो उस समय हमें ये एरर्स को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैं इधर जाता हूं, कुछ एरर्स है इधर, ये एरर्स है फॉर्मूला का एरर। ये फॉर्मूला में जब भी लिखता हूं तो क्या होता है, वो एरर्स आ जाएगा। तो कौन सा एरर्स आएगा अब हम सीखेंगे। अगर हमें ये हैश 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 आ गया,
तो इसको हम हैश एरर्स बोलता है। ये फॉर्मूला के हिसाब से नहीं आता है। तो क्या होता है, अगर वैल्यू को जगह नहीं है सेल में तो ये एरर आ जाएगा। हम जस्ट इसको ड्रैग करना है सो इसको जगह मिलेगा तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। मैं अभी एक और एरर को जाता हूं, यह है डिवीजन एरर। ये डिवीजन एरर का मतलब है अगर मैं किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर दिया तो इसको डिवीजन एरर आ जाएगा। ऐसे एंटर मैं ड्रैग करता हूं, ये डिवीजन एरर आ गया। अगर ये सेल ब्लैंक भी हो तब भी ये डिवीजन एरर आ जाए। एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल का मतलब है अगर मैं एक वैल्यू ढूंढ रहा हूं, अभी हम वी लुकअप देख लिया था तो उसमें हम वैल्यूज को ढूंढता है। तो इधर हम क्या करता है, वो एम्प्लॉय आईडी को ढूंढने से अगर ये एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में नहीं ही है तो ये एनए आ जाएगा। एनए का मतलब है नॉट अवेलेबल इक्वल्स, वही वी लुकअप डालता हूँ। सर लुकअप वैल्यू है ये कॉमा, मैं टेबल अरे सेलेक्ट करता हूँ, पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया कॉमा 2,0। ये एम्प्लॉय 5678 इधर नहीं है इसलिए वो एनए आ रहा है। मैं इसको 001 बना दिया तो हमें वैल्यूज मिलेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी इधर है। नेक्स्ट एरर रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर आता है जब प्रॉपर रेफरेंस नहीं देता है। अगर रेफरेंस गलत दे दिया तो ये रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो क्या है, इधर मैं इसको 001 बना देता हूं और इधर मैं इक्वल्स वी लुकअप ऑफ दिस वैल्यू कॉमा और मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं F4 कॉमा। मैं अभी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे देता हूं और एग्जैक्ट मैच 0, ये वैल्यू आ गया। अगर मुझे ये रीजन ढूंढना है, इधर रीजन हो गया इस टेबल में, इसका हेडिंग तो रीजन बना दिया। अगर मुझे रीजन चाहिए और ये टेबल अरे सिर्फ 2 कॉलम्स है, अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और से 4 इधर 4 दे दिया एंटर कर दिया तो क्या होगा, इधर कॉलम है 2 लेकिन मैं क्या ढूंढ रहा हूं, वो फोर्थ कॉलम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ कॉलम मैं ढूंढ रहा हूं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों का ये 2 कॉलम्स हैं, इसमें फोर्थ कॉलम नहीं है द टेबल अरे में। अगर मैं फोर्थ कॉलम ढूंढ रहा हूं उसको समझ में नहीं आएगा तो ये रेफरेंस रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, इसको गलत समझ के वो रेफरेंस एरर डाल देगा। तो रेफरेंस एरर आएगा अगर मैंने गलत रेफरेंस दे दिया। नेम एरर। नेम एरर आता है अगर मैं फंक्शन नेम रॉन्ग दे दिया। फंक्शन नेम का मतलब है ये सम, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सभी फंक्शन नेम्स है। अगर मैं इसको गलत दे दिया तो ये नेम एरर आ जाएगा। ऐसा आता है इक्वल्स, अगर मैं सम डाल दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया तो वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं टाइप करते समय कुछ गलत कर दिया, सम के बदले सैम लिख दिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब एक्सेल को ये समझ में नहीं आता ये सैम क्या है, ये फंक्शन एक्सेल में नहीं है, तो उस समय ये नेम आ जाएगा, नेम एरर। वो एक क्वेश्चन मार्क पूछता है कि नेम क्या है, नेम कौन सा फंक्शन है ये। अगर मैं वी लुकअप करते समय 3 लिख दिया ऐसा और मैं कुछ वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, कुछ टेबल अरे सेलेक्ट करूंगा ऐसा दे दिया, क्योंकि ये वी लुकअप ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो अगर हमें ये नेम एरर आ गया तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि हम करेक्ट से ये
फंक्शन नेम दिया है क्या, अगर कुछ गलत है इस फंक्शन नेम में वो नेम एरर आ जाए। नल एरर, ये नल एरर आएगा अगर हम प्रॉपर ऑपरेटर्स नहीं देता है। ऑपरेटर्स का मतलब है प्लस माइनस और कुछ रेंज का, वो सेमी कॉलन कोलन कुछ भी। अभी मैं इसको इक्वल्स दिस एड्रेस प्लस दिस एड्रेस, ये दोनों एड्रेस दे देता हूँ, मुझे वैल्यू मिल गया। अगर मैं ये ऐड करते समय कुछ ऑपरेटर नहीं दिया तो सिस्टम को वो ये समझ में नहीं आएगा ये मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, क्या कैलकुलेशन करना है। अगर मैं इसको एंटर कर दिया तो नल आ जाएगा, तो नल का मतलब है नथिंग, इसको क्या करना है वो समझ में नहीं आता है, मैं इसको कैलकुलेशन करना है या एडिशन करना है या माइनस करना है, कुछ भी नहीं है तो वो नल कर देगा। वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर आएगा जब हम एक नंबर को टेक्स्ट से कैलकुलेशन करता है, इक्वल्स ये है वैल्यू डिवाइडेड बाय, अगर बाय मिस्टेक इस सेल को रेफर करने से ये सेल रेफरेंस कर दिया, एंटर किया तो वैल्यू एरर आ जाए। तो ये वैल्यू एरर आता है जब मैं एक नंबर को एक टेक्स्ट से डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू एरर आता है फाइंड में भी, फाइंड अगर मैं एक वैल्यू से जेड इधर ढूंढ रहा हूं इस वैल्यू में, एंटर, जब भी वैल्यू एरर आता है। अगर मुझे ये वैल्यू है, ये टेक्स्ट है, मुझे इस टेक्स्ट में नहीं है, जब भी वैल्यू एरर आता है, तो वैल्यू एरर आता है अगर रॉन्ग कैलकुलेशन करते समय, नंबर से टेक्स्ट कैलकुलेशन करते समय या फाइंड करते समय भी वैल्यू एरर आता है। नम एरर, नम एरर का मतलब है अगर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब है अगर ये सिस्टम से भी बड़ा है नंबर, तब ये वैल्यू से ये नम एरर आएगा। जैसे कि इक्वल्स, अगर मैं ए वैल्यू को द पावर ऑफ ये वैल्यू कर दिया तो नम एरर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है, सिस्टम भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो तब ये वैल्यू सॉरी नम एरर आ जाएगा। तो नम एरर है अगर ये कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो बड़ा है, सिस्टम हैंडल करने से भी बड़ा है, तब ये नम एरर आ जाएगा।